आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम कुर्ती का बैक नेक डिज़ाइन और स्लीव्स डिज़ाइन बनाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। नेक बनाने के लिए हमने बुकरम ली है, लेंथ है 12 इंचज़ और चौड़ाई है 10.5 इंचज़। इसको हम सेंटर से सीधा मोड़ेंगे। अब हमें नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है 2.7 और उसके बाद 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें आधा इंच पर एक और निशान लगाना है। उसके बाद नेक की लेंथ का निशान लगाएंगे 7। यहाँ से भी नेक की चौड़ाई 2.7 इंचज़ ही रहेगी। यहाँ से हम निशान को सीधा मिलाएंगे। अब हम राउंड शेप को ड्रॉ करेंगे। इस निशान से हम बाहर की तरफ निशान लगाएंगे 1.5 इंचज़ पर। यहाँ से हमें आधा इंच अंदर की तरफ एक और गोलाई में निशान लगाना है। इस गैप में हम बीड्स लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें नोक का डिज़ाइन बनाना है। ऊपर की तरफ जो हमने नोक बनाई है उसकी चौड़ाई 1 इंच है। अब हम करेंगे नेक की कटिंग। यहाँ से हमें आधा इंच की दूरी पर गोलाई में एक और निशान लगाना है और यहाँ से हम कट करेंगे। नेक की चौड़ाई होगी 4.5 इंचज़ और जो हमने बड़ा राउंड नेक कट किया है उसकी नेक की चौड़ाई हमारी रहेगी 8 इंच। सबसे पहले हम राउंड नेक बनाएंगे। नेक की चौड़ाई का हमें निशान लगाना है 8 इंच पर। जिस तरह से हम सिंपल नेक बनाते हैं उसी तरह से हम राउंड नेक को रेडी कर लेंगे। देखिए हमारा राउंड नेक रेडी हो गया है। उसके बाद हम अपना दूसरा नेक लेंगे और फैब्रिक की रॉन्ग साइड हमें इसे अटैच करना है। उसके बाद हम एक और फैब्रिक का पीस लेंगे और नेक को हमें इसके साथ ही स्टिच करना है। पहले जो हमने नोक कट की है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे नेक पर सिलाई लगानी है और उसके बाद हम कट लगाएंगे। यहाँ पे हमें ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम हल्का सा कट करेंगे। गोलाई की साइड से भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। अब इसे करेंगे हम राइट साइड टर्न। नोक को हम निडल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। उसके बाद गोलाई में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मोड़ते हुए हम बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे कट।
उसके बाद हम बीड्स लगाएंगे। हम सेंटर से बीड्स लगाना शुरू करेंगे। निडल की हेल्प से हमें अच्छे से टाका लगाना है। इसी तरह से हम पूरे नेक पर बीड्स लगा लेंगे। देखिए नेक डिज़ाइन हमारा बनके रेडी हो गया है। सेम तरीके से हमने स्लीव्स डिज़ाइन भी बनाया है। अब हम बनाएंगे अपना स्लीव्स डिज़ाइन। स्लीव्स डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये बुकरम की पट्टी कट की है, जिसकी लेंथ है मोहरी की लेंथ के बराबर और इसकी चौड़ाई 2 इंच से 2 पॉइंट कम है। इसको हम सेंटर से मोड़ेंगे। अब हम एक तरफ निशान लगाएंगे लगभग 1.5 इंचेस पर। इस निशान को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम बंद वाली साइड आधा इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हमें एक एक इंच पर निशान लगाने हैं। दूसरी तरफ हम निशान के सेंटर में निशान लगाएंगे और इस तरह से हम नोक को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम डिज़ाइन को कट करेंगे। अब हमें सीधी पट्टी कट करनी है और रॉन्ग साइड हम इसे अटैच करेंगे। ऊपर वाली साइड से हमें आधा आधा इंच फैब्रिक मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। इसके बाद हम एक और पट्टी लेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसको हम दूसरी पट्टी के साथ अटैच करेंगे। पहले हम नोक वाली साइड सिलाई लगा लेंगे और ऊपर की तरफ हमें आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। सभी नोक पर हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए हम नोक पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद ऊपर वाली साइड हमारा जो आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको किनारे के साथ साथ मोड़ते हुए हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब नोक के साथ हमें बीड्स को अटैच करना है। देखिए हमने स्लीव्स पर भी बीड्स अटैच कर लिए हैं और हमारा नेक और स्लीव्स डिज़ाइन बन के रेडी है। नेक को और स्लीव्स को और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हमने इस पर लेस भी अटैच की है। पूरा डिज़ाइन हमारा बन के रेडी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।